इंटीग्रेट एक्स टैन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स से इंटीग्रेट करना है तो हो जाता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और एक पूरा का फिर इंटीग्रेशन। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस केस में हम मान लेते हैं u इक्वल टू हो गया टैन इनवर्स x एंड v इक्वल टू x है, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x टैन इनवर्स x dx इक्वल टू टैन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बटा dx ऑफ टैन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx अपना का फिर dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो गया टैन इनवर्स एक्स, ये टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस इंटीग्रेशन डी बटा डीएक्स टैन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स कितना हो गया इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये हो गया और पूरा का ए डीएक्स हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वन बाई टू को कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ये हो गया डी एक्स। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। अब इसको और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऊपर न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन। इसको और लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट, एक पेंसिल हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स हो गया, तो वन इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स का ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हो गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सम सी इक्वल टू फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस। ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका आंसर।